हेलो बच्चों, मेरा नाम है संगीता यादव और मैं अंधेरी म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका हूँ। वहाँ पर मैं साइंस वन पढ़ाती हूँ और साइंस वन का 11वां चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का जो लास्ट भाग है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इसके पहले आपने गोलीय दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा हुआ है, तो जो आज आपका टॉपिक स्टार्ट होगा वो है उत्तल दर्पण। तो पहला क्वेश्चन बेसिक से, उसकी फोटो से बच्चों ध्यान देना, अगर कुछ भी मिस हुआ ना, छोटी मोटी चीजें भी जो मैं बोल रही हूँ, तो उसके बाद आपको आगे की पिक्चर समझ में नहीं आएगी। तो ये जो है उत्तल दर्पण, वो आज के पिक्चर का हीरो है। तो पहले इसको आप समझिए कि ये क्या है, ताकि आपको बाकी की चीजें समझ में आए, ठीक है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? तो उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का एक छोटा सा भाग है। समझ में आया आपको? उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का एक छोटा सा भाग है, ठीक है, जिसकी ये वाली जो साइड है वो पॉलिश्ड होती है, यानी कि यहां से परावर्तन नहीं हो सकता है। अब अगर ये जिस साइड आपको दांत दिखाई दे ना, जैसे कंघी को टेढ़ा कर दिया हो और फिर उसके दांत दिखाई दे, तो इस तरफ से परावर्तन नहीं होता है। तो परावर्तन किस तरफ से होगा? ये जो उठी हुई सतह आपको दिखाई दे रही है ना, परावर्तन यहाँ से होता है। ये उठी हुई सतह के साइड से परावर्तन होता है, ठीक है। इसके साथ ही आपको और क्या पता होना चाहिए कि जो पी है, ये आपको बिंदु पी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बिंदु पी, जो बिंदु पी है इसको हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव, ठीक है। और ये जो एफ है, पीछे जो एफ बनाया हुआ है, एफ को हम कहते हैं दर्पण की मुख्य नाभि, ठीक है। तो एफ क्या है? एफ है दर्पण की मुख्य नाभि। ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि बाद में सीधा ये वर्ड मैं यूज करूंगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि मिस किसको आप ध्रुव बोल रहे हो, किसको आप मुख्य नाभि बोल रहे हो। तो जो एफ है वो मुख्य नाभि है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मुख्य नाभि। और ये जो पी है वो ध्रुव है, ध्रुव यानी कि दर्पण का केंद्र है। और ये जो सी दिखाई दे रहा है आपको, सी, ये दर्पण का वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, ठीक है। ये सारी परिभाषा आप पहले पढ़ चुके हो, इसलिए सिर्फ आपको बता दिया कि ये क्या क्या है। तो जो P है वो दर्पण का ध्रुव है, F है वो दर्पण की मुख्य नाभि है, और जो C है वो दर्पण का वक्रता केंद्र है, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि उत्तल दर्पण की मुख्य नाभि दर्पण के पीछे होती है। अब दर्पण के पीछे मतलब क्या? ये जो साइड है हमेशा वस्तु यहाँ रखी होती है दर्पण की बाईं ओर, तो दर्पण के पीछे अगर ये सामने वाला भाग है, यहाँ से परावर्तन होता है इस तरफ से, तो ये जो भाग है दर्पण का, ये दर्पण का पीछे वाला भाग है। समझ में आया? तो उत्तल दर्पण के केस में जो उत्तल दर्पण की मुख्य नाभि होती है वो दर्पण के पीछे होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक दूसरा छोटा सा क्वेश्चन, क्या आपने उत्तल दर्पण देखा है? हाँ मिस, देखा है, लैब में हमारी टीचर ने हमको बहुत बार दिखाया है, लेकिन जब उसको टच किया तो हमको समझा ही नहीं कि वो उत्तल है या अवतल है। तो घर में देखो, आज आप अपने घर में ही देख सकते हो कि उत्तल दर्पण कहाँ है और अवतल दर्पण कहाँ है। सबके घर में होता है, मोस्टली सबके घर में होता है। तो कहाँ है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये देखो। अगर हम कहें तो आप ये देखिए, चम्मच देखा है आपने? चम्मच जिसे आप खाते हो कुछ भी, तो चम्मच का जो आगे वाला हिस्सा होता है, जब हम खाते समय उसमें उठाकर खाते हैं, तो वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। क्योंकि जहां से परावर्तन होता है ना, वो भाग पीछे होता है, तो जो अंदर गया हुआ भाग है वो अवतल दर्पण है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप गेम खेलो, नया चम्मच रहेगा ना घर में, तो उसमें अपना चेहरा देखना आप, कभी उल्टा दिखाई देगा, थोड़ा दूर पास करके देखो, कभी बड़ा दिखाई देता है, कभी छोटा दिखाई देगा, कभी सीधा दिखाई देगा, कभी उल्टा दिखाई देगा। कौन से केस में? अवतल दर्पण के केस में, ठीक है। अभी हमारा जो फोकस है वो है फिलहाल उत्तल दर्पण का। तो बच्चों उत्तल दर्पण के केस में कैसा होता है ना, चम्मच के पीछे का भाग, ठीक है, ये दर्पण है नहीं, लेकिन इसको आप समझ के जितनी भी चीजें आज आपको सिखाई जा रही है वो आप सीख सकते हो। तो अगर नए चम्मच के पीछे आप अपना चेहरा देखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको आपका चेहरा हमेशा सीधा ही दिखाई देगा, चाहे चम्मच के पीछे वाले भाग को आप चेहरे के पास लेकर के आओ या फिर चम्मच से दूर लेकर के जाओ, चेहरा सीधा ही दिखाई देगा
और जितना बड़ा आपका चेहरा है उससे छोटा प्रतिबिंब आपका बनेगा। समझ में आया आपको? यानी कि अगर चम्मच के पीछे का उल्टा भाग उत्तल दर्पण है तो आपका जो चेहरा है वो सीधा ही बनेगा और जितना बड़ा आपका चेहरा है उससे छोटा बनेगा। यानी कि दो चीजें आप ध्यान में रख सकते हो, क्या कि उत्तल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब यानी कि इमेज, इमेज यानी कि जो भी आपको अपना चेहरा चम्मच में दिखाई दे रहा है, तो जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनता है और वो सीधा बनता है। सीधा समझते हो? सीधा, उल्टा नहीं होगा। अगर आगे से आप देखोगे ना, दूर पास करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उल्टा दिखाई देगा अवतल दर्पण के केस में, लेकिन उत्तल दर्पण के केस में जो आपका चेहरा है वो सीधा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो जो दो चीज ध्यान में रखो कि उत्तल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है और छोटा होता है, क्योंकि बाद में ना आपको यही बार बार पढ़ना है, तो फिर चम्मच के पीछे वाला भाग उत्तल दर्पण है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा और वस्तु से छोटा। ये दो चीज तो आपको यही समझ में आ जाएगी चम्मच देख के। और अगर आज आपने खुद चम्मच उठा के घर में ये ट्राई किया ना, तो आप उत्तल दर्पण जिंदगी भर नहीं भूलोगे। समझ में आया आपको? ठीक है, चलो उसके बाद ये छोटा सा स्माइली दिखाई दे रहा है कि हंसता हुआ आदमी, देखो अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनाया मैंने आपको, ताकि जो किरणाकृति आपके पुस्तक में दी हुई है वो समझ में आए। उसके लिए आपको थोड़ा सा हंस के भी पढ़ना पड़ेगा, वरना ये जो दर्पण है वो पूरे रुलाने वाले टॉपिक्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक वस्तु ली बच्चों। ठीक है, ये रही हमारी वस्तु, कहते हैं ना, और जो हमारा नियम है उसके हिसाब से हम कहाँ करते हैं, उसके हिसाब से हम वस्तु को हमेशा दर्पण की बाई तरफ रखते हैं। तो ये है आपका उत्तल दर्पण, ये है उसका लेफ्ट साइड यानी कि बाई तरफ। तो हमने वस्तु को कहाँ रखा, हमने वस्तु को दर्पण के बाई ओर रखा। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि वस्तु से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, ठीक है, लेकिन सारी किरणों का काम नहीं है। उत्तल दर्पण को समझने के लिए अगर आपने दो किरणें भी ली तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली किरण, ठीक है, जैसा कि आपने नियम पढ़ा है कि ये जो सीधी लाइन है ये क्या है, ये आपका मुख्य अक्ष है, करेक्ट, मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर मैं कोई एक किरण ले रही हूँ, दिख रहा है आपको, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर अगर मैंने किरण ली तो वो दर्पण पर जाने के बाद दर्पण से परावर्तित होकर ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ से दर्पण पे आई और परावर्तित होकर ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन नियम क्या बोलता है कि परावर्तन के बाद दर्पण की किरणें मुख्य नाभि पर मिलती हैं। अब उत्तल दर्पण की मुख्य नाभि कहाँ है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो उत्तल दर्पण की मुख्य नाभि है वो दर्पण के पीछे बनती है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये परावर्तित किरण है ना, उसको अगर आप ये डॉट 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 लाइन दिख रहा है आपको, जो डॉटेड लाइन है उससे आप पीछे की तरफ लेकर के आओगे तो वो बिंदु F पर मिलती है। ठीक है, तो बिंदु F, हमने क्या किया, इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया, तो ये जो किरणें हैं वो बिंदु F पर यानी कि उसकी मुख्य नाभि पर मिलेंगी। ये पहली किरण। दूसरा नियम आपने क्या पढ़ा है कि जो किरण, ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के बाद वो किरण वापस उसी रास्ते से लौट जाती है। यानी कि अगर ये आपको जो दिखाई दे रहा है कि ये जो किरण है वो सी से जा रही, दिख रहा है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है। अब ये किरण वक्रता केंद्र से गई तो परावर्तन होने के बाद ये वापस वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। देखो इसलिए एरो इधर भी है और एरो इधर भी है, तो जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से लौट जाएगी, लेकिन हमको उसको वक्रता केंद्र तक लेकर जाना पड़ेगा। तो जब आप वक्रता केंद्र तक लेकर के जाओगे इस किरण को, तो वो जो किरण है वो एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित करेंगे। ठीक है, ठीक है, वो क्या करे, वो किरणें क्या करेंगी, एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित करेंगी। कहाँ पर, ये बिंदु दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा एक बिंदु है जहां पर इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किया है, जहां इस हंसते हुए आदमी का छोटा सा रोता हुआ चेहरा बना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने इस, अगर ये जो बिंदु है प्रतिच्छेदन बिंदु है, इस प्रतिच्छेदन बिंदु के यहाँ पर एक सीधी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, देखो हमारी वस्तु इतनी बड़ी थी,
वस्तु का इतना छोटा सा प्रतिबिंब बनना, ठीक है। तो दो चीज तो पहले ही आपको सिखा दी कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अब एक चीज ध्यान में रखो कि वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, इसलिए ये जो प्रतिबिंब है वो आभासी होगा। ध्यान में रखना हाँ, जब प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी तरफ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, तो जो प्रतिबिंब है वो आभासी होता है बच्चों, ठीक है। इसीलिए जो डब्बे की चीजें दी हैं वो आपके काम की है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और आभासी होता है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया रहेगा तो जो बुक की चीज है वो समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इंटरेस्ट भी नहीं आता है, इसलिए टॉपिक को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया वो हंसते हुए चेहरे के साथ, ठीक है। तो अब आपको क्या पढ़ना है? उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है। तो उत्तल दर्पण से परावर्तित हुई किरण एक दूसरे को वास्तविक रूप से नहीं मिलती है, पर दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए यह प्रतिबिंब आभासी होता है। जैसा कि बाकी चीजें आपको दिखाई, अब आप देखते जाइए जो मैं बोल रही हूँ आपको स्क्रीन पे। हमने क्या किया है, जो हमारी वस्तु है उत्तल दर्पण लिया है, मुख्य अक्ष बनाया है आपने। अगर एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आता है तो जो चीज आपको आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का नाम है MN। जो मुख्य अक्ष है वो मुख्य अक्ष है BC। जो हमारी वस्तु है वो हमारी वस्तु है AB, ठीक है। अब वस्तु AB से जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, किरण AQ, आप देखिए किरण AQ मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। परावर्तन के बाद वो देखो ऊपर जो एक लाइन गई है थोड़ी सी बैंगनी कलर की, वो वैसे लौट जाएगी, ठीक है, क्योंकि सतह पे परावर्तन हुआ है, लेकिन उसको मुख्य नाभि तक लेकर जाना है हमको। तो जब हम उसको उसी की तरह पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो आ करके बिंदु F पर मिलेगी। F क्या है? मुख्य नाभि है, ठीक है। और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो AC है। अगर आप किरण AC को देखें तो वो वक्रता केंद्र से जा रही है, और ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित करती हैं? तो A' पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो A'B, अगर आपने वो सीधी लाइन बना दी तो वो A'B' क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब है, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो दर्पण के पीछे बना इसलिए वो आभासी है, ओके? इसके बाद यह है कि प्रकाश का अपसरण क्या होता है और अभिसरण क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो ये आप देखो हाँ, अगर ये समझा, क्योंकि बाद में बहुत बार है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अपसरण, अभिसरण, वो सब समझने के लिए आपको ये माचिस की तीलियों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ है कि ये केस में अगर मैं ये देखूं कि ये जो माचिस की तीलियां हैं वो ऐसे ऐसे फैली हुई दिखाई दिख रहा है आपको, ये भाग फैला हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब प्रकाश की किरणों का अपसरण होता है तो किरणें फैलती हैं। फैलने का मतलब क्या है? मान लो कि ये एक प्रकाश का स्रोत है और यहां से किरणें निकल के इस तरह से फैल रही हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रकाश का अपसरण। दिखा आपको, ये जो भाग है वो अपसरण का है, आपके पुस्तक में ऐसे ही सिखाया हुआ है, ठीक है। अपसरण का मतलब होता है फैलना, प्रसरित होना, ठीक है। तो ये जो किरणें हैं वो फैली हैं, एक बिंदु से निकल कर इस तरह से फैल रही हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रकाश का अपसरण, ठीक है। अभिसरण क्या होता है? अभी अगर आप ये लाल वाला पॉइंट देखो, अगर माचिस की तीलियों का ये जहाँ पे केमिकल लगा होता है ना, इन सब भागों को मैं जमा कर दूं, देखो ये यहाँ पे मिल रही है, तो इसको हम कहते हैं प्रकाश का अभिसरण। अभिसरण का मतलब होता है जमा होना, कन्वर्ज होना। तो ये सब यहाँ पे आई है, जैसे मान लो कि बहुत सारी किरणें हैं और वो सब आकर के यहाँ से आ रही हैं, आ रही हैं, आई और यहाँ पर मिल गई, तो उसको हम कहते हैं प्रकाश का अभिसरण। तो प्रकाश के अपसरण का मतलब होता है उसका फैलना, और फिर उसके जमा होने का मतलब होता है उसका अभिसरण होना। ये दो वर्ड बच्चों, कन्फ्यूज नहीं होना, सिंपल। अपसरण मतलब फैल रही है, अभिसरण मतलब एक ही बिंदु पे जमा हो रही है, तो अभिसरण होता है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, इसके आगे क्या दिया हुआ है, आपकी किताब क्या बोलती है इसके बाद? इसके बाद आपकी किताब में है अवतल दर्पण के बारे में। तो अभी अवतल दर्पण क्या करता है बच्चों? जो भी लिखा हुआ है वो समझने के लिए पहले आप ये किरणाकृति समझ लीजिए। किरणाकृति का मतलब क्या है कि ये जो रे डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है वो रे डायग्राम क्या बोलता है, ठीक है।
तो स्लाइड साथ नहीं दे रही है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देखिए, ये रहा आपका अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण आपको पढ़ाया गया रहेगा ना, ये ऐसे है, मैं क्लियर बनाती हूँ, आपके बुक में ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। अवतल दर्पण का ये जो भाग होता है पीछे वाला, यहाँ से परावर्तन नहीं होता है। परावर्तन कहाँ से होता है? इसमें आगे की तरफ से, क्योंकि आगे की साइड फ्री होती है अवतल दर्पण, ठीक है। तो समझो किरणें अगर यहाँ से आ रही हैं, किरणें आगे की तरफ से आएंगी, तो वो यहाँ पे परावर्तन के बाद इस तरफ मिल जाएंगे, समझ में आया? यानी कि दर्पण की ही तरफ, जिस तरफ वस्तु रखी हुई है उसी तरह किरणें आकर के एक बिंदु पर मिल जाती है, और जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम कहते हैं एफ। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो तो इसमें जो एफ है वो मुख्य नाभि है, ठीक है। एक और छोटी सी परिभाषा जो आपको पता होनी चाहिए कि जो एफ और पी है, आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पी क्या है, पी है उसका वक्रता ध्रुव है, तो ध्रुव और नाभि, यानी कि जो एफ पी है उसको हम कहते हैं नाभ्यांतर, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नाभ्यांतर। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण मतलब जो किरणों को एक बिंदु पर जमा करता है, ये फोटो ध्यान में रखो, इसीलिए इसको कहते हैं अभिसरण करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अभिसारी दर्पण, ठीक है। क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के उपरांत एक बिंदु पर अभिसरित होती है, ठीक है। और अवतल दर्पण के केस में कैसा होता है, मूल वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी प्राप्त हो सकता है और बड़ा प्रतिबिंब भी प्राप्त हो सकता है। मैंने जैसे बताया, आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, चम्मच, नया चम्मच लेके जरा आगे पीछे करके देखो, कभी आपके मुंह से बड़ा फेस भी दिखाई देगा उसमें आपको, और आपके मुंह से छोटा भी, खाली चम्मच को आगे पीछे करो, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे ही कर सकते हो, ठीक है, चम्मच को लेकर के। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण, ठीक है। ये रही उत्तल दर्पण की फोटो, जहां मैंने आपको बताया था कि जो उत्तल दर्पण की मुख्य नाभि होती है वो दर्पण के पीछे होती है, तो जो एफ है वो एफ क्या है, दर्पण की मुख्य नाभि है। तो प्रकाश की किरणें कहाँ से आई, प्रकाश की किरणें आ रही हैं इस तरफ से, ठीक है, परावर्तन के बाद वो वहीं से वहीं लौट जा रही हैं, लेकिन मुख्य नाभि पीछे है, इसलिए अगर इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये सारी किरणें बिंदु एफ पर मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? बिंदु एफ पर। बिंदु एफ कौन है? मुख्य नाभि है। मुख्य नाभि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मुख्य नाभि नहीं पता है ना कहाँ है, तो आकृति बनाने कभी नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो अवतल दर्पण को हम अपसारी दर्पण, देखो भाई बच्चों, अपसारी दर्पण क्यों कहा? क्योंकि वो किरणों को आपका अपसरण कर रहा है, किरणों को फैला रहा है, इसीलिए हम उनको कहते हैं अपसारी दर्पण, ठीक है। तो आपने ऐसा कोई भी देखा कभी, अगर आप रात को रोड पर चल रहे हो तो जो लैम्प पोस्ट होता ना, यानी कि जो बिजली के बड़े वाले खंभे होते हैं, थोड़ा कहीं अंधेरा रहेगा तो देखो कि उसका जो उसमें जो दर्पण लगा होता है ना, वो उत्तल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाशी किरणें होती है ना, उसको फैलाना होता है ना। अगर प्रकाशी किरणें फैलेंगी तभी तो एक लैम्प पोस्ट बहुत दूर तक प्रकाश को फैला पाएगा, बहुत दूर तक लाइट जाएगी, तो एक लैम्प पोस्ट से बहुत सारे रोड पर लाइट हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। और इस केस में कैसा होता है कि उत्तल दर्पण के केस में वस्तु के मूल आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आपको बताया, घर में चम्मच लेके ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है, ओके। उसके बाद है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो कभी अगर आप सलून में गए रहो ना, जहाँ पे बाल कटाने जाते हो या फिर दाढ़ी बनवाने जाते हैं लोग वहां पर, ठीक है, तो वहां पर कैसा होता है कि अगर आप दर्पण को अपने चेहरे के पास पकड़ोगे ना, अपने फेस के क्लोज, तो आपका चेहरा बड़ा दिखाई देगा, ताकि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो चेहरे से अच्छे से साफ हो सके, ठीक है, तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और लेकिन सेम उसी दर्पण को आप अपने चेहरे से दूर ले जाके देखोगे, दूर दूर लेके जाओगे ना, तो आपका सेम फेस उल्टा भी दिखाई देगा और छोटा भी होता जाएगा। तो ऐसा दर्पण कौन सा होता है? वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को सैलून में या ब्यूटी पार्लर्स में यूज किया जाता है, ताकि छोटे से किसी भी प्रतिबिंब को बड़ा करके हम देख सके, ठीक है। इतना ही नहीं, देखो जो कान, आंख और दांत के डॉक्टर होते हैं ना, वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि आपका मुंह है, छोटे से मुंह का खुलता नहीं है, ठीक है, उसमें भी दांत, लास्ट का दांत है, वहां पे डॉक्टर को देखना है तो कैसे देखेगा? अब लास्ट के दांत में छोटा सा होल है या छोटा सा कीड़ा है, उसको देखने के लिए
डॉक्टर को वो इमेज अगर बड़ी नहीं दिखाई देगी तो डॉक्टर सही इलाज नहीं कर पाएगा। या आपकी आंखें भी हैं तो हमारी आंखों में का जो रोग वाला पार्ट होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उसको, या फिर कान के अंदर तक देखना है उसको, तो ये सारी चीजों के लिए वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ठीक है, ताकि वो उसकी इमेज को बड़ा करके देख सके और उसको सही से समझ में आ सके कि तकलीफ क्या है और कहाँ है, ठीक है। इतना ही नहीं, जो सौर उपकरण होते हैं, सौर उपकरण आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन सौर उपकरणों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन से गुणधर्म की वजह से किया जाता है? क्योंकि जो अवतल दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को एक जगह पे जमा करता है। ये भी बताया था ना आपको, जो आपको पहले फोटो दिखाई थी कि प्रकाश की किरणों को एक जगह पे जमा करता है, तो सौर उपकरण क्या करेगा, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करेगा, और सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए वो क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को एक जगह जमा करने की कोशिश करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट पैदा की ज्यादा से ज्यादा हीट का उपयोग किया जा सके। इसलिए सौर उपकरणों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। ऐसे फन मिरर्स भी होते हैं, देखो जैसे एक बच्चा अपना हाथ देख रहा है, उसका हाथ छोटा सा है, लेकिन जब उसने आईने में देखा तो उसको उसी का हाथ इतना बड़ा दिखाई दिया, ठीक है, और जैसे जैसे वो दूर लेकर जाएगा ना उस दर्पण से, उसका हाथ छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो इसको फन मिरर भी कहते हैं, बाद में उल्टा भी हो जाता है थोड़ी दूर जाने के बाद। तो इन सभी जगहों पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग, बच्चों लोग अब कभी भी देखा रहेगा जब हम बाइक चलाते हैं या फिर जो लोग कार चलाते हैं उनके जो कार में जो लेफ्ट और राइट दो मिरर्स होते हैं ना, या फिर बाइक में, उन दोनों में भी उत्तल दर्पण लगा होता है। क्यों? पहली चीज कि उत्तल दर्पण क्या करेगा पता ना, छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो हम गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है या फिर कितनी गाड़ियां पीछे हैं, उन सब का छोटा सा प्रतिबिंब, यानी कि सब कुछ पीछे का पूरा फोटो उस छोटे से मिरर पे बन जाता है। तो एक आइडिया हो, जैसे कि देख सकते हो आप पिक्चर में कि एक अगर ये कार का मिरर है तो उसमें पीछे की गाड़ियों का, साइड की गाड़ियों का, सबका छोटा सा प्रतिबिंब, कितना बड़ा एरिया होता है लेकिन सबका छोटा सा एक फोटो गाड़ी चलाने वाले को मिरर पे दिखाई दे जाता है, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो रास्ते के ऊपर लैंप लगे होते हैं बड़े बड़े, जो अब हम रोड पे चलते हैं, आप देखोगे जो बड़े बड़े लैंप होते हैं रात में, लैंप पोस्ट के बीच की दूरी काफी होती है ऊपर से देखोगे तो, लेकिन नीचे लाइट में कोई बहुत डिफरेंस नहीं दिखाई देता है क्योंकि वहां उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैला देता है दूर दूर तक, तो प्रकाश दूर दूर तक जाता है। इसके अलावा जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना आपका, मतलब जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, वहां भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो सन ग्लासेस होते हैं ना उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वरना आजकल देखोगे ऐसी कुछ चौराहे भी होते हैं जहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तल दर्पण के, तो कुछ चौराहे भी होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े उत्तल दर्पण लगा दिए जाते हैं ताकि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है तो उसको आइडिया हो जाएगी कितनी सारी गाड़ियां आ रही हैं। मॉल में भी लगाते हैं आजकल, अगर आप कभी मॉल में जाओगे रिलायंस के मॉल में, तो वहां पे भी ऐसे उत्तल दर्पण का बहुत बड़ा ग्लास कहीं एक लगा दिया जाता है। तो उससे एक बार फोटो देख करके ना, अगर आदमी ने वहां देख लिया उस दर्पण में, तो उसको आइडिया हो जाता है कि कितनी भीड़ है मॉल के अंदर, तो वहां भी किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में लिखने के लिए और एग्जाम के हिसाब से भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। केश कर्तनालय मतलब सलोन या ब्यूटी पार्लर, दांतों का दवा खाना, सब जगह किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। बैटरी और वाहनों की जो हेडलाइट होती है ना, वहां पर भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के स्रोत को नाभि के पास रखने के लिए प्रकाश का समांतर पुंज प्राप्त होता है। फ्लड लाइट्स जो होती है वहां पर, बहुत सारे ऐसे उपकरण है, सौर उपकरण जो लास्ट वाला है ना, सूर्य किरणें नाभीय प्रतल में एकत्रित होती है, सौर उपकरण, सौर कुकर सुना होगा आपने, सौर तापक सुना होगा आपने, वो सब जगह पे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? गाड़ियों के दाई और बाई और लगाए गए जो दर्पण होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं, या फिर जो चौराहे पर लगे हुए दर्पण होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों ये समझने के लिए, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आपने कभी ग्राफ ड्रॉ किया है तो आपको आराम से समझ में आएगा। जैसे हम ग्राफ करते हैं ना, ये वैसे ही ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। आपको पता है कि यहाँ पे जितनी भी दूरी होती है वो सब धनात्मक होती है, करेक्ट। कहाँ पे? एक्स के इस तरफ दाई ओर, ये जो मुख्य अक्ष है इससे जब आप दाई ओर जाओगे तो यहाँ सभी जो दूरियां होती है ये वाली धनात्मक होती है। बाई ओर जाओगे तो ये अक्ष के ऊपर की दूरियां जो होती है वो ऋणात्मक होती है।
वैसे ही अगर आप ऊर्ध्व जाओगे, यानी कि आपको पता है यहाँ पे प्लस फाइव प्लस सिक्स ये जो दूरियां होती हैं वो सभी धनात्मक है, और नीचे की जो दूरियां होती हैं यानी कि जो अधो दूरी है वो ऋणात्मक होती है बच्चों, ठीक है। तो अभी आपको क्या पता होना चाहिए कि समझो कि मैंने वस्तु को कहाँ रखा है, ठीक है, मैंने वस्तु को रखा यहाँ पे, यहाँ पे बाई तरफ, जैसे ये मेरी वस्तु है और मैंने वस्तु को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो वस्तु की दूरी अगर मैं बोलूं कि ये ध्रुव है, अगर ये ध्रुव है तो ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। अच्छा, बाद में आपको एक चीज बतानी है, उसके लिए बता दूं कि जो ध्रुव से वस्तु की दूरी है उसको हम यू बोलते हैं, यू फॉर अम्ब्रेला नहीं है, यहाँ पे यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ध्रुव से वस्तु को कितना दूर रखा है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है। दूसरा, अभी अगर आप ऊपर की तरफ इसकी लंबाई नापोगे, अगर आपको देखो अगर वस्तु की लंबाई नापनी है तो आप कहाँ से नापोगे, यहाँ से नापोगे ना, यहाँ से, तो ये तो वाई अक्ष जो ऊपर की तरफ जाता है वो तो हमेशा प्लस में होता है, तो जो वस्तु की लंबाई होगी वो हमेशा प्लस में होगी, ठीक है। मान लो कि इस वस्तु की का जो प्रतिबिंब है वो दूसरी तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब इस तरफ बना है, मान लो कि प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो जो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम कहते हैं v, ठीक है, v मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ओके। तो ऊपर की जो दूरी होती है यानी कि ऊर्ध्व दूरी वो धनात्मक होगी, जो अधो दूरी होगी अगर आप नीचे इस तरह नापोगे कोई भी दूरी तो वो दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, एक्स अक्ष की तरफ दाई हो जाओगे वो दूरी धनात्मक होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन ग्राफ जैसे ड्रॉ करते हैं ना, जैसे ग्राफ में हम प्लस और माइनस लेते हैं, बिल्कुल इसमें भी वैसा ही होता है, ठीक है। तो वस्तु हमेशा बाई ओर रखी जाती है, वस्तु हमेशा इस तरफ आएगी, कहाँ, बाई ओर, बाई ओर वस्तु आएगी, ठीक है। ऊपर ऊर्ध्व दूरी धनात्मक होगी, अधो दूरी ऋणात्मक होगी, इसीलिए अवतल दर्पण का जो नाभ्यांतर होता है वो ऋणात्मक होता है। बच्चों बताया ना आपको, जो अवतल दर्पण होता है उसकी मुख्य नाभि जो होती है वो दर्पण की तरफ ही होती है, दर्पण के साइड ही होती है, इसलिए उसकी जो मुख्य नाभि है वो ऋणात्मक होती है। तो ये रिक्त स्थान में क्वेश्चन है आपको एक कि अवतल दर्पण का नाभ्यांतर ऋणात्मक होता है, और दूसरा ये भी है कि उत्तल दर्पण का जो नाभ्यांतर है वो धनात्मक होता है। तो ये जो दो चीजें ध्यान में रखो, क्योंकि अवतल दर्पण की मुख्य नाभि कहाँ होती है, दर्पण के पीछे होती है, दर्पण के पीछे होगी मतलब इस तरफ आती है ना, तो जब दर्पण के पीछे आएगी तो वो धनात्मक हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो एक्स अक्ष के दाईं ओर जा रही है, और उत्तल दर्पण की एक्स अक्ष पे ही आती है लेकिन बाईं ओर जाती है, इसलिए वो ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है। तो ये परिपाटी है, यानी कि जब भी हम प्रश्न हल करते हैं या फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, वस्तु कहाँ रखी है, उस समय इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको U और V बता दिया बच्चों कि U क्या होता है और F क्या, U क्या होता है और V क्या होता है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो देखो मैंने आपको बताया U क्या होता है, वस्तु की दूरी, जो ध्रुव से वस्तु की दूरी है उसको U कहते हैं, पहले ये आपको बता, जो वस्तु से ध्रुव की दूरी है उसको हम U कहते हैं, ओके। ये रहा वस्तु की ध्रुव से दूरी को U कहते हैं, प्रतिबिंब की जो ध्रुव से दूरी है उसको हम V कहते हैं, ठीक है। तो अब U और V में क्या रिलेशन है, तो ये सूत्र क्या देता है हमको, ये हमको प्रतिबिंब की दूरी और ध्रुव की दूरी के बीच में एक रिलेशन देता है या फिर एक रिश्ता देता है जिसको हम कहते हैं दर्पण का सूत्र। तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और नाभ्यांतर का जो सूत्र है वो होता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बटे वी प्लस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ। एफ क्या होता है, एफ होता है फोकल लेंथ यानी कि नाभ्यांतर। आपको पहले बताया था नाभ्यांतर क्या होता है, ध्रुव और मुख्य नाभि के बीच का जो अंतर है उसको हम कहते हैं नाभ्यांतर। तो बेसिकली बच्चों ये सूत्र क्या बताता है पता है आपको, कि कोई भी जो जैसे हम किसी की भी फोटो खींच रहे हैं, कैमरा ही हमने कोई भी यूज किया है, किसी भी वस्तु का हमको प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब कितने नजदीक बन रहा है या कितना दूर बन रहा है वो हम दर्पण के ध्रुव से ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया आपको, तो कितना नजदीक बन रहा है या कितना दूर बन रहा है, कितना नजदीक बनाना है या कितना दूर बनाना है
वो दर्पण के सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यही दर्पण का सूत्र कहता है, 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। u क्या है? u है वस्तु की ध्रुव से दूरी। v क्या है? v है प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। तो इनका जो रिलेशन है वो है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और आप इसको ध्यान में रखना है। F क्या होता है? F होता है नाभ्यांतर या फिर फोकस, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये जो F है उसको बोलते हैं फोकस या फिर नाभ्यांतर आप कह सकते हो, फोकल लेंथ जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है आपका आवर्धन, गोलीय दर्पण द्वारा होने वाला आवर्धन या फिर मैग्निफिकेशन। तो बच्चों आवर्धन का मतलब क्या होता है कि कितनी बड़ी इमेज बनी है या फिर कितना बड़ा प्रतिबिंब आप प्राप्त कर सकते हो या फिर इसको हम बोलते हैं मैग्नीफाई करना। ठीक है, तो जो m का वैल्यू है ये हमको बताता है कि वो दर्पण किसी भी प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कितना बड़ा बना सकती है या उसे कितना गुना बड़ा बना सकती है, वो हमको m से प्राप्त होता है, यानी कि मैग्निफिकेशन के वैल्यू से मालूम पड़ता है। ये जो H2 है, अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ लिखा है H2 क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को कहते हैं H2। वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? H1। तो वस्तु की ऊंचाई है H1, प्रतिबिंब की ऊंचाई है H2। तो इन दोनों का जो सूत्र होता है आवर्धन का वो होता है H2/H1, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, तो जो कार्तीय परिपाटी थी उसमें आपने क्या देखा कि जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है ना, लेफ्ट साइड में रखते हैं वस्तु को एक्स अक्ष पर, तो वो तो माइनस में आता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये माइनस का निशान आ जाता है, माइनस यू। ठीक है, तो आवर्धन यानी कि एम बराबर होता है H2/H1। H2 प्रतिबिंब की ऊंचाई है, H1 वस्तु की ऊंचाई है, या फिर अगर आप दूरी के हिसाब से जाओगे तो V/U। माइनस क्यों आया? क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं की तरफ आती है। प्रतिबिंब आभासी होने पर उसकी ऊंचाई धनात्मक होती है, लेकिन अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसकी ऊंचाई ऋणात्मक होती है। ठीक है, कार्तीय परिपाटी के अनुसार वस्तु को दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है, इस कारण जो वस्तु की दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। तो बेसिकली आपको ये सूत्र क्या देता है या फिर मैग्निफिकेशन के वैल्यू से, कैपिटल एम के वैल्यू से हमको क्या मालूम पड़ता है कि जो भी दर्पण है वो वस्तु का कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, ये हमको एम के वैल्यू से मालूम पड़ता है, यानी कि आवर्धन के वैल्यू से मालूम पड़ता है, जिसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन के वैल्यू से मालूम पड़ता है कि कितना आवर्धन होगा उसका। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ जो आज का लेक्चर है वो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। हेलो टीचर। हाँ बोलो। टीचर मैं पूछ रही थी अवतल दर्पण का एक और उपयोग हो सकता है ना, मतलब मैंने मतलब पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा है आपने? मतलब जब एम्बुलेंस में ऊपर देखते हैं तो उल्टे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, जब हम मिनरल में देखते हैं तो वर्ड्स सीधे दिखाई देते हैं। हाँ ये सकता है ना, तो वो अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है बच्चा, वो उसके पीछे दर्पण का है। वो तो मतलब पूछ रही थी एक बार डाउट क्लियर करने के लिए। नहीं, उसका कुछ और रीजन है, उसका कुछ और रीजन है कि वो ऐसा क्यों लिखा होता है, लेकिन वो एम्बुलेंस का उल्टा लिखा होना और अवतल दर्पण का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। नहीं मतलब उत्तल दर्पण का भी हो सकता है ना। सॉरी मैं ऐसे पूछ रही थी, मतलब आप क्या पूछ रहे हो ना, मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप सही से पूछो, एम्बुलेंस के ऊपर जो नाम लिखा हुआ आता है ना, एम्बुलेंस जो उल्टे शब्दों में लिखा हुआ आता है, हाँ हाँ हाँ, जब हम कार में या फिर बाइक के मिनरल में उसे देखते हैं तो वो सीधा दिखाई देता है, और नॉर्मली हम देखते हैं तो उल्टा दिखाई देता है, मतलब हाँ 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 उपयोग हो सकता है, ये पूछ रही थी मैं। अच्छा देखो, अच्छा मुझे याद आया अभी, एक्चुअली जो लिखा होता है ना एम्बुलेंस, वो उसकी मिरर इमेज होती है।
ठीक है, ताकि कोई और इसका मतलब दर्पण के गुणधर्म का और एम्बुलेंस का उल्टा लिखा हो ना, उसका आपस में रिलेशन नहीं है। वो जो एम्बुलेंस है ना, वो उसकी मिरर इमेज होती है, मतलब अगर आप उसको एम्बुलेंस के ऊपर डालोगे ना, तो वो एम्बुलेंस सही से लिखा हुआ दिखाई देगा। वो उल्टा लिखते हैं, उसका एक साइंटिफिक रीजन बना दिया है कि कोई देखे तो उसको सीधा दिखाई दे। लेकिन वो नॉर्मल भी आप मिरर में देखोगे ना, समतल दर्पण में भी एम्बुलेंस को किसी को भी, वो आपको सीधा ही दिखाई दे, क्योंकि वो उसकी मिरर इमेज होती है। ठीक है, चलो और किसी कुछ पूछना है? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग साइंटिस्ट, बोलिए। टीचर अभी आपने मुझको बताया था, अरे हम लोग को बताया था कि अभी आपने एक ग्राफ बताया जिसमें बताया वाई का ऋणात्मक होता है और सॉरी एक्स का ऋणात्मक होता है, वाई का प्लस होता है। टीचर नीचे का भी वही रहेगा? हाँ, जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते टाइम, आपने ग्राफ ड्रॉ किया है कभी? यस टीचर। हाँ, तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऐसा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ? यस टीचर। हम इस पर जाते हैं, मतलब एक्स अक्ष के आप इस तरफ जाओगे तो यहाँ पे सारे नंबर्स प्लस में होते हैं ना? यस टीचर। ठीक है, आप अगर अब इस तरफ जाना शुरू करोगे तो यहाँ सारे नंबर्स माइनस में होते हैं, है ना? ये भी एक्स अक्ष ही है, लेकिन जब आप बाईं ओर जाना शुरू करोगे तो सारे नंबर ऋणात्मक हो जाते हैं। ऊपर जाओ वाई अक्ष पे, तो यहाँ पे भी जो सारे नंबर्स हैं वाई अक्ष पे, ध्रुव से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारे नंबर प्लस में होते हैं। वापस जब आप नीचे आओगे इस तरफ, तो यहाँ के सारे नंबर्स माइनस में होते हैं। तो जो रूल ग्राफ में फॉलो होता है, वही रूल इसमें भी फॉलो होता है, वस्तु की दूरी लेने के लिए, प्रतिबिंब की दूरी लेने के लिए, या फिर वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई लेने के लिए। ठीक है, सेम रूल जैसा आप ग्राफ में ड्रॉ करते टाइम अपन लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और कुछ किसी को पूछना है? नथिंग टीचर। ओके, तो मैं लेक्चर वाइंड अप कर दूं फिर। तो आज मैंने आपको पढ़ाया कि उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, प्रकाश का अपसरण और अभिसरण क्या होता है, अवतल दर्पण के गुणधर्म क्या है, उसका उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण के गुणधर्म और उपयोग क्या है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपको बताई, दर्पण का सूत्र बताया, और गोलीय दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाला आवर्धन बताया मैंने आपको। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया रहेगा। थैंक यू सो मच बच्चों।